नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, नवाब मलिक ने खोल दी समीर वानखेड़े की पोल। इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आपको बता दें, नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं और इसी बीच एक बार फिर से उन्होंने एक चौंका देने वाला और बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। आप सभी को पता होगा, आर्यन खान का केस जब से सामने आया है उसके बाद से ही लगातार समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की लड़ाई चल रही है। अब इसी बीच मैं आपको बता दूं कि समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर नवाब मलिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि नवाब मलिक ने अब एक सबूत भी दे दिया है जिसे देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि नवाब मलिक जो बोल रहे हैं काफी हद तक वो सही ही बोल रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिर से बर्थ सर्टिफिकेट पर घिर गए हैं। गुरुवार को एनसीबी नेता और मुंबई सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक नया खुलासा किया है। उन्होंने वानखेड़े का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। मलिक ने कहा कि इसमें उनका धर्म जो है वो मुस्लिम है। मलिक ने दो सर्टिफिकेट पेश किए हैं, जिनमें से एक सेंट जोसेफ हाई स्कूल और दूसरा सेंट पॉल हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है। इनमें उनका नाम पूरा समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसके अलावा मलिक ने वानखेड़े पर जाली नोट नेटवर्क के भी आरोप लगाए हैं। इससे पहले समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट शेयर किया था। उनका कहना है कि यह समीर का वास्तविक बर्थ सर्टिफिकेट है, हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर करके बताया कि इसमें समीर का धर्म मुस्लिम लिखा है। इस सर्टिफिकेट में उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा है, जबकि धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा हुआ है। इससे पहले समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये आरोप क्रूज केस के एक गवाह ने लगाए थे। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि शाहरुख के बेटे को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही थी और आखिर में 18 करोड़ में डील फाइनल। इसमें से 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को मिलने थे। इन आरोपों की जाँच चल रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक और समीर वानखेड़े पर हमलावर है। आर्यन जेल से बाहर आ चुके हैं, इसके बाद भी मलिक लगातार उन पर हमलावर हैं। वानखेड़े को अब क्रूज ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया है। बावजूद इसके एनसीपी नेता वानखेड़े पर आए दिन अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। अब समीर वानखेड़े को सामने आना ही होगा और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना नवाब मलिक ने जिस तरह से इनकी पोल खोल कर रख दी है, इससे समीर वानखेड़े की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्या लगता है आपको, क्या समीर वानखेड़े ने सच में ही कोई बहुत बड़ा इलीगल काम किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।